बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम में भानिज कुंड में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक मारुति सुजुकी कार से 8 पेटी शराब, 10 लीटर जहरीली स्प्रिट और मोबाइल कार को जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी पान सेमल का रहने वाला है। अवैध शराब लेकर पाटी क्षेत्र में बेचने के लिए आया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भानिज कुंड में कार रुकवाई तो डिक्की में बड़ी मात्रा में शराब भरी हुई थी, साथ ही पारदर्शी प्लास्टिक थैली में 10 लीटर जहरीली स्प्रिट मिली। पुलिस को इनके पास से शराब स्प्रिट मिली, जिसे जब्त कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उसके कब्जे से 96 लीटर शराब जिसकी कीमत 21,120 और जहरीली स्प्रिट 10 लीटर जिसकी कीमत 2,005 लाख की कार समेत 15,000 का मोबाइल जब्त किया है। बड़वानी से इमरान खान की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, अवैध शराब और युवा सट्टे पर ठोस कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भानिज कुंड में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब लेके बेचने हेतु आने वाला है, जिसकी घेराबंदी करके टीम गठित की गई और उसको पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 8 पेटी बियर शराब और 10 लीटर स्पीड शराब थी जो जब्त की गई है। ये 96 लीटर बियर थी और 10 लीटर स्प्रिट थी। 6,36,000 रुपये कीमत है। हाँ, एक एक्सप्रेसो वाहन है, कार है। वाहन की कीमत 5 लाख रुपये। आरोपी का नाम है योगेश पिता शिवाजी ठाकुर, ये साफ खड़की गांव का रहने वाला, पान सेमल क्षेत्र का। बस अभी उसका पीआर लेके वहीं उसकी पतारसी कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, पुलिस की लगातार कार्रवाई।